क्वेश्चन नंबर 6 लेके मैं आ गया हूँ। इसमें कह रहा है जो ये दो नंबर दिया हुआ है इस प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है, ये और बीच में प्लस भी है और इसमें भी बीच में प्लस है, तो कह रहा है ये दोनों नंबर जो है ये कंपोजिट नंबर क्यों है और कैसे है हमें बताने। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का मतलब वो होता है जिसका प्राइम फैक्टर दो से ज़्यादा हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर 7 का कर रखा है, तो 7 का जो फैक्टर है, 7 का जो फैक्टर होगा, देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने 7, ठीक है, तो 7 का जो फैक्टर होता है, 7 का जो फैक्टर होता है वो क्या सा आएगा, एक तो 1 होगा और एक 7 होगा, होगा। और उसी तरीके से अगर मैं 8 का करूँ, तो 8 का देखो एक तो 1 होगा, ठीक है, 1 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा, 4 के टेबल से जाएगा, 8 के टेबल से जाएगा। तब कहने का ये मतलब जिसका फैक्टर, देखो 7 का फैक्टर सिर्फ 1 और 7 ही है, तो ये को मतलब कंपोजिट नंबर नहीं है। और 8 का फैक्टर देखो 1 है, 2 है, 4 है, मतलब 1 और 8 के अलावा 2 और है इसके, मतलब अगर 3 जिसका फैक्टर हो जाए ना, तो वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है, मतलब वो एक कंपोजिट नंबर होता है। तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये सबसे पहले सवाल लिख दिया, पहला जो नंबर है ये 7 × 11, ठीक है, 7 और 11 13 + 13, ठीक है, ये है पहला सवाल। तो इसको हम, ये मैंने यहाँ पर उतार लिया है। अब देखो यहाँ पर इस इन दोनों में देखो यहाँ पर प्लस है 13 और इधर भी 13 है, तो इन दोनों से मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ। मैंने 13 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 7 × 11 और प्लस 13 कॉमन आ गया तो 1, तो 7 × 11 यानी कि 77 प्लस 1 यानी कि 78, तो 13 × 78 आ गया, ठीक है। तो 13 × 78 अगर ये आ गया, तो यानी कि देखो 78 को भी काफ़ी प्राइम फैक्टर बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, है ना, को सॉरी फैक्टर बहुत सारा निकल जाएगा इसका भी। तो यहाँ पर दिखने से हमें पता चल रहा है ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर जो है वो 2 से अधिक है, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा नंबर है, तो इस दूसरे नंबर को भी मैंने क्या करा, यहाँ पर उतार लिया है देखो, ठीक है। इसमें भी देखो सारा मल्टीप्लाई है, बस यहाँ पर प्लस 5 है, तो ये 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो इन दोनों को मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो 5 इसमें कॉमन है, तो 7 × 6 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 5 के बदले में मैं 1 लिख सकता हूँ, लेकिन 1 लिखो ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, 4 + 3 ये मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ से 5 को कॉमन ले लिया, ठीक है, ये 5 को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करा तो 1008 हुआ और प्लस 1 है यहाँ पर, तो 1009 हुआ, तो 1009 का भी अगर आप प्राइम फैक्टर निकालो तो बहुत सारा निकल जाएगा, है ना। तो मतलब मान लो अगर नहीं निकला तो 1 और 1009 तो निकलेगा ही, 2 हुआ और 1 5 हो गया, तो 3 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ भी कह सकता हूँ ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, आप लोग कर लेना, प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा।